फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओए इट्स यमी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है कस्टर्ड जेली पुडिंग, जो बहुत ही बढ़िया बना है और ये बहुत ही आसान और लाजवाब डेजर्ट है। तो अगर आपको रेसिपी की जानकारी चाहिए तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहना पड़ेगा। और हाँ, चलो हम रेसिपी की शुरुआत करने जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन में 200 ml पानी ले लिया है और उसी में मैं ये जेली मिक्स जो रेडीमेड मिलती है बाहर बाजार में आराम से मिल जाएगी, मैंने वो ली है, उसका हाफ पैक लिया है मैंने। तो इसे मैं पानी में डाल दूंगी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी और अब मैं इसे गैस पे रख दूंगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसे गैस पे रख दिया अभी चलाने के लिए। तो इस तरीके से हम इसे हिलाते रहेंगे जब तक ये अच्छी तरीके से डिजॉल्व ना हो जाए सब। तो ये जो सब कुछ था वो पिघल गया है, तो मैं अब इसे ले लूंगी गैस पे से। तो यहाँ पे मैंने छोटे शॉट्स के ग्लास ले लिया है, तो इसमें मैं हमारा जो जेली का मिक्सचर है वो मैं इसमें डाल दूंगी अब इस तरीके से सारे में फील कर दूंगी। मैं पूरा फील नहीं करना, हमें इसे थोड़ा 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 ही फील करना है क्योंकि हमें सेकेंड लेयर के लिए भी जगह बचानी है इसके लिए। तो सब एक हम लोग इसे फील कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने सब में इक्वली ऐसे मैंने हाफ ऑफ करके इसे भर दिया है और बचे हुई जेली को मैंने एक कंटेनर में निकाल लिया है इस तरीके से। तो हमारी ये जेली जो है अब हम इसे सेट करने के लिए रख देंगे रेफ्रिजरेटर में। तो तब तक हमारा जो कस्टर्ड है वो हम रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप जितना दूध लिया है पैन में और उसी के साथ मैंने यहाँ पे 1 tablespoon जितना मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है और उसमें मैं मिल्क ऐड कर दूंगी जिससे कोई भी लम्स रहेगा नहीं, अच्छी तरीके से हमें इसे मिक्स कर देना है। तो इस तरीके से हम इसे मिक्स कर देंगे और ये देखो मिक्स भी हो चुका है। तो अब हम इसे हमारे दूध में ऐड कर देंगे इस तरीके से और उसी के साथ मैं यहाँ पे 1 tablespoon और 1.5 tablespoon जितनी मैं इधर शक्कर मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब मैं इसे गैस पे चलाने के लिए रख दूंगी। तो मैंने इसे यहाँ पे गैस पे रख दिया है तो अब हम इसे इस तरीके से हिलाते रहेंगे। तो अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये नीचे बैठ के जल जाएगा। तो इस तरीके से हम हिलाते रहेंगे तो ये थिक होते जाएगा धीरे धीरे। ये जो कस्टर्ड है वो भी अब ये थिक हो गया है। तो अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इसे नीचे उतार लूंगी। तो मैं यहाँ पे इसे एक बोल में निकाल लूंगी इस तरीके से और इसे ठंडा करने रख दूंगी। और मैंने यहाँ पे जो कस्टर्ड लिया था वो वेनिला फ्लेवर का था। तो अगर आपके पास नहीं हो कस्टर्ड तो आप कॉर्नफ्लावर के साथ वेनिला एसेंस भी यूज कर सकते हो। और ये जो मैंने यूज किया था उसमें ऑलरेडी वेनिला फ्लेवर का ही था। तो आपको चाहिए तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो और अगर आपको कोई और फ्लेवर पसंद हो तो आप और फ्लेवर भी कोई ऐड कर सकते हो एसेंस के साथ। तो यहाँ पे हमारी ये जो जेली थी वो सेट हो चुकी है तो मैं इसे कट कर लूंगी इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से स्पून से हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारा जो कस्टर्ड था वो भी ठंडा हो चुका है अब। तो इसमें मैं अब 1/2 cup जितनी हमारी जो ग्रेप्स है कटी हुई वो मैं इसमें डाल दूंगी और उसी के साथ मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे काजू बादाम लिए हैं, अगर आपको जो पसंद हो वो ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। और इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पे हमारी ये जो जेली थी वो पूरी तरीके से अब सेट हो चुकी है। तो मैंने इसे फ्रिज में रखा था तो करीबन 15 मिनट के अंदर ये सेट हो गई है। तो अब इसके ऊपर मैं हमारा ये जो कस्टर्ड था वो मैं इस पे डाल दूंगी धीरे धीरे।
वाह, ये बहुत ही लाजवाब लग रहा है, बहुत ही डिलिशियस भी लग रहा है। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे सब में डाल देंगे। ये शॉर्ट्स अगर आप घर के लिए बनाओ या फिर कोई गेस्ट आएगा आपके घर में उसके लिए बनाओ, खुश हो जाएगा। तो एक बार इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है और दिखने में बहुत ही डिलिशियस भी है। तो मैंने यहाँ पे सारे ग्लास जो हमारे फील कर दिए हैं, तो ऊपर से मैं थोड़ी सी ये जो हमारी जली है वो मैं इस पर रख दूंगी। इसका जो ये टेक्सचर है ना, वो ही इतना अट्रैक्टिव है ना, आपको देख के ही आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसे कभी बनाऊं और कभी खा लूं। तो ये हमारा जो डेजर्ट है वो अब फिनिश हो चुका है, और कितना कलरफुल और कितना ब्राइट दिख रहा है ये। आप देख सकते हो कि ये कितनी आसानी से बन चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।